सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, उससे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के बिना किसी विशेष कामकाज के खत्म होने की आशंका बढ़ गई है। यद्यपि दोनों पक्षों के बीच सहयोग समन्वय कायम करने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है, जहां सत्ता पक्ष को राहुल गांधी की माफ़ी से कम कुछ मंजूर नहीं है, वहीं विपक्ष अदानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC का गठन किए जाने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर क्षमा याचना के बाद ही संसद चलने की संभावना जता रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि अदानी मामले में बीच के किसी रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांग को लेकर इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब उनके पीछे लौटने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। अब संसद तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष या तो एक दूसरे की मांग माने या फिर अपनी अपनी मांग छोड़ें। क्योंकि ऐसा होता नहीं दिखता, इसलिए संसद चलने के आसार नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की इसमें दिलचस्पी ही नहीं रह गई है कि संसद चले और वित्त विधेयक पर बहस होने के साथ प्रस्तावित विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़े। यदि पक्ष विपक्ष के हंगामे के चलते संसद का यह सत्र बिना किसी कामकाज के खत्म हो जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। संसद की कार्यवाही में प्रति मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बात केवल धन की बर्बादी की ही नहीं, आवश्यक विधेयक अटके रहने से राष्ट्र को होने वाली क्षति की भी है। वैसे तो इस क्षति की चिंता दोनों पक्षों को करनी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक सत्ता पक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि संसद चलाने का दायित्व उसका ही होता है। यह संभवतः पहली बार है जब सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण भी संसद नहीं चल पा रही है। सत्ता पक्ष को इसकी चिंता करनी ही चाहिए कि देश की जनता को यह संदेश जा रहा है कि उसकी रुचि संसद चलाने में नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय हितों को देने के उसके संकल्प की पूर्ति तभी होगी जब वह संसद चलाने को लेकर प्रतिबद्ध दिखेगा। जैसे सत्ता पक्ष को राहुल गांधी की माफ़ी को नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही विपक्ष को भी अदानी मामले की जांच JPC से कराने की जिद नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति उन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने में समर्थ है जो विपक्ष उठा
रहा है।